इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है, पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं, इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो, मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे, ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती, इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख, 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। आप देख रहे थे सीटीवी इंडिया न्यूज़।